और अब बात करते हैं रीवा जिले की, जहां गर्भावस्था के दौरान खून की कमी के कारण कई गर्भवती माताएं हाई रिस्क हो जाती हैं। स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इनकी जांच करने लगातार उपचार एवं आवश्यक सलाह दी जा रही है। जिन गर्भवती माताओं में गंभीर रूप से खून की कमी पाई गई है, उनके स्वास्थ्य की जांच एवं खून चढ़ाने के लिए सभी विकास खंडों में शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जाँच एवं सोनोग्राफी की जाएगी। आवश्यक होने पर उन्हें निर्धारित मात्रा में खून चढ़ाया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए विकास खंड गंगेव एवं जवा में 1 सितंबर तथा मऊगंज एवं सितंबर को शिविर लगाए जाएंगे। इसी तरह विकास खंड रायपुर, करचुलियान एवं गोविंदगढ़ में 3 सितंबर तथा विकास खंड सिरमौर एवं त्योथर में 5 सितंबर को शिविर लगाए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित बीएमओ शिविर के लिए आवश्यक प्रबंध करें। शिविर में प्रत्येक हाई रिस्क गर्भवती महिला की जांच एवं समुचित उपचार सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।